नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं वो है अलादीन। चलिए जानते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में। जो पहला मेन कैरेक्टर है वो है सुल्तान का। उसके बाद आता है जफर जो सुल्तान का वजीर रहता है। उसके बाद जैस्मीन जो कि सुल्तान की बेटी रहती है। सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो है अलादीन का जो कि एक चोर रहता है। वो हाथ की सफाई से चोरी करता है। एक और कैरेक्टर है इस फिल्म में जो कि एक बंदर है। वो अलादीन का बंदर है जिसका नाम अबू रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जैस्मीन और अलादीन एक बाजार में मिलते हैं। कुछ लोग जैस्मीन को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं और उसे डांटते हैं। वहीं अलादीन आ जाता है और उसको भगा ले जाता है अपने घर। मलिका का कत्ल हो जाने के कारण सुल्तान जैस्मीन को ज्यादा बाहर निकलने नहीं देता था, इसलिए काफी कम लोग उसको चेहरे से पहचान पाते। जैस्मीन अलादीन को बताता है उसका नाम डालिया है और वो शहजादी की दासी है। अलादीन जैस्मीन का कंगन चुरा लेता है। इसी दौरान उसे याद आता है कि एक राजकुमार उसे देखने के लिए महल में आने वाला है। वह महल में वापस चली जाती है। जफर जो कि वजीर रहता है वो काफी सारा काला जादू जानता है और वो सिलाबाद जो कि मलिका का मायके रहता है वहाँ पे हमला करने के लिए कहता है, लेकिन सुल्तान मना कर देता है। तो वो अपनी तिलिस्म का ताकत दिखा के हाँ बुलवाने का कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पे जैस्मीन वहाँ आ के अपने पापा को बचा लेती है उसके जादुई ताकत से। जफर गुस्सा से एक गुफा में जाता है जो कि तिलिस्मी गुफा रहता है, जहाँ की जीनी का चिराग मिलता है और वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। दूसरे दिन अलादीन कंगन लौटाने के लिए शहजादी के पास उसके महल में जाता है। जफर अलादीन के चालाकी से काफी इम्प्रेस होता है और उसको कंगन लौटाने देता है। उसके बाद उसको बंदी बना लेता है और एक रेगिस्तान में ले जाता है जहाँ की वो तिलिस्मी गुफा रहता है। जफर अलादीन को बोलता है कि वह उसे काफी सारी दौलत देगा ताकि वह जैस्मीन का हाथ मांग पाए अगर वह उसे उस गुफा से वह चिराग ला के दे। अलादीन उस तिलिस्मी गुफा के अंदर जाने को राजी हो जाता है। जफर अलादीन को कहता है कि वह सिर्फ उस चिराग को ही उठाए, अगर कोई धन दौलत वहाँ से उठाता है तो यह गुफा बंद हो जाए। जैसे ही अलादीन के हाथों में वो चिराग लगता है, अलादीन का बंदर जिसका नाम अबू रहता है वह एक हीरा उठा लेता है जिससे वहाँ पे भूकंप आ जाता है। अलादीन जफर को बुलाता है मदद के लिए। जफर उसके हाथ से चिराग छीन कर उसे उस गुफा में ढकेल देता है। उसी दौरान उसका बंदर अबू जफर के पास से चिराग को चुरा लेता है। गुफा से निकलने के बाद जफर को पता चलता है कि चिराग अंदर ही रहा है। गुफा के अंदर अलादीन चिराग को घिसता है और उसमें से जीनी निकलता है। जीनी अलादीन को अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि वह उससे तीन मुरादें मांग सकता है। इसी गुफा के अंदर अलादीन को एक कालीन मिलता है जो कि हवा में उड़ सकता है और उसमें जो बैठा हुआ रहता है उसको भी हवा में उड़ा सकता है और कहीं भी पहुंचा। अलादीन जीनी को बोलता है कि वह सबको इस गुफा से बाहर निकाले। बाहर निकलने के बाद अलादीन शहजादी के बारे में जीनी को बताता है और उससे अपनी पहली मुराद में उसे शहजादा बनाने को कहता है। जीनी उसको शहजादा अली बना देता है और उसके बंदर को एक हाथी बना देता है। अलादीन शहजादा अली बन के जैस्मीन के महल में जाता है उससे हाथ मांगने। शुरू में शहजादी मना कर देती है और शहजादे अली को रात के दावत के लिए उसको इनवाइट करती है। दावत के बाद दोनों एक साथ डांस करते हैं और रात में शहजादा अली जैस्मीन को अपने काली में बैठा के पूरी सल्तनत की सैर कराता है जिससे जैस्मीन इम्प्रेस हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि शहजादा अली ही अलादीन है और वह उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन जैस्मीन को यह नहीं पता चलता कि अलादीन एक चोर है। वह यह मानी हुई रहती है कि वह कहीं का राजकुमार है। उधर जाफर को उसके जासूस बता देते हैं कि शहजादा अली ही अलादीन है और उसके पास चिराग है। जाफर अलादीन को पकड़ लेता है और उससे चिराग के बारे में पूछता है, मगर वह उसे चिराग के बारे में कुछ नहीं बताता। वह उसे नदी में धकेल के डुबा देता है। नदी के अंदर चिराग से जीनी निकलता है और अलादीन को उस नदी से बाहर निकाल के उसकी जान बचाता है और उसे कहता है कि उसने दूसरी मुराद उसकी जान बचाने में बर्बाद कर। अब अलादीन के पास सिर्फ एक ही मुराद बचती है। अलादीन सुल्तान के पास जाता है और उसे जाफर के बारे में बताता है कि वह धोखेबाज है, वो तिलिस्म का इस्तेमाल करके
खुद को सुल्तान बनाना चाहता है। अलादीन जफर का तिलस्मी छड़ी को तोड़ देता है। सुल्तान जफर को बंदी बना के कैद खाना में बंद कर देता है और अलादीन और जैस्मिन की शादी के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद अलादीन का मन बदल जाता है और उसके अंदर घमंड आ जाता है। जीनी उसको समझाता है कि अलादीन इस तरह नहीं है और झूठे वादे से जैस्मिन का दिल जीत कर नहीं रख सकता, लेकिन अलादीन नहीं समझता। इससे जीनी नाराज होकर चिराग के अंदर घुस जाता है। फिर अलादीन अपने घर की तरफ जाता है। इसी दौरान जफर अलादीन से चिराग चोरी कर लेता है। जफर राजमहल में जाता है और जीनी को अपने पहले मुराद में खुद को सुल्तान बनाने को कहता है। जीनी उसकी मुराद को पूरा करता है और उसे सुल्तान बना देता है। जफर जैस्मिन और सुल्तान को बंदी बना लेता है। जफर अपने सेनापति को कहता है कि वह जैस्मिन को मार दे। उसी वक्त जैस्मिन सेनापति को उसके फर्ज के बारे में बताती है और उसे समझाती है। सेनापति मान जाता है और वह जाफर के हुक्म को मानने से इनकार कर देता है। जाफर गुस्से से जीनी को बुलाता है और अपने दूसरी मुराद में जीनी को कहता है कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर तिलिस्मी जादूगर बना दे। उसके बाद जाफर सबसे बड़ा जादूगर बन जाता है। अलादीन वहाँ आके जाफर के हाथों से चिराग को चुराने का कोशिश करता है, लेकिन जाफर अपनी तिलिस्मी ताकत से उसे रोक देता है। जैस्मिन और सुल्तान को यह बता देता है कि अलादीन एक चोर है, वह कोई राजा नहीं है। अपने जादू से जाफर अलादीन को एक बर्फीले जगह में भेज देता है, जिसे वो नर्क कहता है। जीनी उनको बचाने के लिए कालीन को वहाँ भेज देता है। कालीन अलादीन को बचा के वापस ले आता है। इसी दौरान जाफर शहजादी को यह कहता है कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो वह उसके पिता सुल्तान को मार देगी। जैस्मिन शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी करने के टाइम जैस्मिन जब जाफर के पास जाती है तो उसके हाथ से चिराग छीन के महल से कूद जाती है। उसी दौरान कालीन में बैठ के अलादीन आता है और जैस्मिन को कालीन में बैठा लेता है और वहां से भाग जाता है। चिराग को पकड़ने के लिए जाफर और अलादीन के बीच काफी भाग दौड़ होती है। लास्ट में चिराग जाफर के हाथों लग जाता है। अलादीन जाफर को बातों में फंसा कर कहता है कि जीनी उससे ज्यादा ताकतवर है। इस बात को सुन के जाफर अपने अंतिम इच्छा में अंतिम मुराद में जीनी को यह कहता है कि वह इस दुनिया का सबसे ताकतवर जीनी बने। तो जीनी जाफर को भी जीनी बना देता है और उसे एक चिराग के अंदर बंद कर देता है। अलादीन शहजादी से अपने झूठ के लिए माफी मांगता है। जीनी अलादीन को कहता है कि वह अपनी तीसरी मुराद में जैस्मिन को मांगे, लेकिन अलादीन जीनी की आजादी मांगता है और जीनी आजाद हो जाता है। अब जीनी किसी भी आका का गुलाम नहीं रहता और वह इंसान बन जाता है। जीनी इमोशनल होके अलादीन को गले लगा लेता है। जीनी डालिया के पास जाता है, जो कि जैस्मिन की दासी रहती है, और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। डालिया मान जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। अलादीन वहां से वापस जाता है, तभी जैस्मिन उसे रोकती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। फिर दोनों में शादी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने यह मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यह मूवी कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस फिल्म को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टिकट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।